वीडियो को देखने वालों की संख्या हज़ारों में होती है, लेकिन लाइक करने वाले अभ्यर्थी लाइक करके नहीं जाते हैं। लाइक करके अवश्य जाया करें, क्योंकि हमारी तरफ से जो काम है वो पूरा किया जाता है। आप एक लाइक का बटन दबा के हमेशा की तरह इस वीडियो को शेयर अवश्य किया करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप सभी जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बनवन से आई अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं जिनके आयोजन आपको देखने के लिए मिलने थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते साथ में पंचायती चुनाव के चलते इन परीक्षाओं को आगे बढ़ा दिया गया था। और ऐसे में सरकार के माध्यम से लॉकडाउन लग जाने के बाद से ये परीक्षाएं और भी लटक चुकी थी। लेकिन अब ऐसे में अच्छी खबर देखने के लिए मिल रही है कि यूपी के सभी जिलों में लॉकडाउन खत्म कर दिए गए हैं। अब ऐसे में यूपी के अंदर परीक्षाओं की दौड़ शुरू होगी। उसी को लेकर यहां पे हम बात करेंगे कई परीक्षाओं को लेकर, साथ में टीजीटी पीजीटी को लेकर भी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। तो जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, साथ में शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो सबसे पहले आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है। हालांकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो नाइट कर्फ्यू जो है जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को कमजोर होती जा रही है, जिसे देखते हुए प्रदेश सरकार के माध्यम से 75 जिलों में कोरोना कर्फ्यू मुक्त कर दिया गया है। बुधवार को प्रदेश के सभी जिलों में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक आप सभी के सामने जो बाजार हैं वो खोले जाएंगे। हालांकि सिनेमाघर, मॉल और जिम को लेकर जो पाबंदी है वो लागू रहेगी, वहीं रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति रहेगी। लेकिन अगर ऐसे में बात की जाए बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी की जा सकेगी, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। उसी क्रम में यहाँ पर जानकारी और देखने के लिए मिल जाती है कि बता दें जारी किए गए निर्देशों के अनुसार जिन जिलों में 600 से कम संक्रमण वाले मामले होंगे उन जिलों में कोरोना कर्फ्यू से राहत मिलेगी। अब प्रदेश के जिलों की अगर बात करें कोरोना संक्रमित की संख्या 600 से कम हो गई है, अतः सभी जिलों के अंदर जो खोलने की अनुमति वो जारी कर दी गई है। हालांकि इससे पहले लगभग 55 जिलों को पहले खोल दिया गया था, लेकिन उसके बाद इंतजार में था कि जैसे धीरे धीरे यहां से कोरोना का संक्रमण कम होगा उसके बाद में यहां पे जो सभी जिलों को खोला जाएगा। फिलहाल सरकार के माध्यम से खोलने के आदेश दिए गए हैं जो कि कल से खुल जाएगा। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश में परीक्षाओं की दौड़ शुरू होने वाली है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा कैलेंडर तैयार किया जा रहा है जो कि कभी भी जारी किया जा सकता है। लेकिन इसी के साथ और भी कई परीक्षाएं जिनके आयोजन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि हम बात करें टीजीटी पीजीटी 2021 के बारे में या फिर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। ऐसे में टीजीटी पीजीटी को लेकर जानकारी देखने के लिए मिल रही थी चयन बोर्ड के माध्यम से कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में आपकी जो परीक्षा है वो करवाई जा सकती है या फिर सितंबर के माह के अंदर भी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अब ऐसे में परीक्षाओं के आयोजन के लिए चयन बोर्ड को पत्र दिया गया है जो कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात करें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज प्रयागराज को यहाँ पे जो पत्र है वो भेजा गया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मौजूदगी में अगर बात करें टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें प्रतियोगी छात्रों के लिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर परीक्षाओं की तारीखों को लेकर जो कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ पर लिखा है, नए विज्ञापन की परीक्षा तारीख घोषित किया जाना आवश्यक है ताकि प्रतियोगी छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी परीक्षा तिथि के अनुसार कर सकें। साथ ही उनके माध्यम से कहा गया कि आगामी समय के अंदर अगर कोरोना का संक्रमण बढ़ता है या फिर कोरोना के कारण परिस्थितियां विपरीत रहती हैं तो परीक्षा को स्थगित किया जा सकता है। मतलब यहां पर उनके माध्यम से कहा गया कि फिलहाल यहां पर जो भी स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए अपने अनुसार परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान किया जाए, जिससे कि छात्रों को तैयारी करने में राहत मिले। अगर बाद में निकट भविष्य के अंदर कोरोना का संक्रमण बढ़ जाता है तो परीक्षा बाद में चाहे स्थगित हो जाए वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल छात्रों के सामने एक टारगेट होना चाहिए कि कब उनकी जो परीक्षा है वो होने वाली है, क्योंकि और भी परीक्षाओं की तैयारियां उनको करनी है। उसी को लेकर टीजीटी पीजीटी नए विज्ञापन को लेकर परीक्षा की तारीख को घोषित करने को लेकर जानकारी मांगी गई है। प्रतियोगी छात्रों के समायोजन मुद्दे साथ में गंभीरतापूर्वक विचार को लेकर निस्तारित किए जाने की आवश्यकता है। इसी के साथ सामाजिक विज्ञान के बच्चों इंटरव्यू को लेकर भी यहां पर जानकारी दी गई है। वहीं अगर बात करें अभी तक प्रधानाचार्य के नए विज्ञापन को लेकर चयन बोर्ड के द्वारा घोषित नहीं किया गया है जो कि समय की मांग है। ऐसे में अगर बात करें प्रवक्ता कला टीजीटी कला साथ ही प्रवक्ता नागरिक शास्त्र को लेकर अंतिम परिणाम घोषित किए जाने को विचार किया जाए। इसके अलावा नीचे आप सभी को और भी जानकारियां देखने के लिए मिल जाती हैं कि विभिन्न विषयों की रिक्तियों के अधिक पैनल के लिए जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया जाना चाहिए। ऐसे में यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा 8/6/2021 को जो पत्र है वो भेजा गया है, जिसके अंदर टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा की तारीख की जो मांग है वो की गई है। अब सवाल देखने के लिए मिलता है कि टीजीटी पीजीटी 2021 का जो एग्ज़ाम डेट है वो कब तक देखने के लिए मिलेगा।
अभी तक चेयरमैन के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिली थी कि आपकी जो परीक्षा है वो अगस्त के अंतिम सप्ताह में करवाई जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा समय आगे निकलेगा, अगर इस हफ्ते तक आप सभी के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तो ये परीक्षा आपकी सितंबर में होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि चेयरमैन के माध्यम से बार बार कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, परीक्षा केंद्रों को लेकर जो निर्धारण किया जा रहा था उसमें थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में सभी जिलों के अंदर कोरोना कर्फ्यू खुल चुका है, तो उम्मीद है कि जल्द जो काम है वो और भी तेजी से बढ़ेगा। फिलहाल जो छात्र कहने की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मान करके चलें कि सितंबर के प्रथम सप्ताह के अंदर परीक्षा होने की ज़्यादा संभावना दिखाई दे रही है। बाकी चेयरमैन के माध्यम से जल्दी इसको लेकर एक आधिकारिक घोषणा आप सभी के सामने की जाएगी। जैसी कोई और अपडेट मिलती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो टीजीटी पीजीटी को लेकर चयन बोर्ड के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जिससे कि नई परीक्षाओं की तारीखों का जो ऐलान है वो करवाया जाए और उसके बाद में जो भी चीज़ें होंगी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएं। तो संभावित तारीख आप मान करके चलें कि सितंबर के प्रथम सप्ताह में आपकी जो परीक्षा है वो शुरू हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, लगातार छात्रों के माध्यम से पूछा जा रहा है कि सर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती कब से शुरू होने वाली है और कब तक इसकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी। जैसा कि पूर्व में आप सभी को जानकारी दी गई थी कि पीएनपी सचिव के माध्यम से बार बार कहा जा रहा था कि सभी जिलों के अंदर जैसी कोरोना कर्फ्यू से राहत मिलती है उसके बाद में एक नया प्रस्ताव बना करके भेजा जाएगा जो कि शासन को होगा, और शासन की अनुमति के बाद में यहाँ से जो आवेदन है वो लिए जाएंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी को बता दें कि यूपी टीईटी को लेकर शासन के माध्यम से अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है, जिसके आवेदन 15 जून से लेने की जानकारी पीएनपी सचिव ने दी थी। तो ऐसे में जानकारी देखने के लिए मिल रही कि जल्दी पीएनपी सचिव के माध्यम से एक बैठक करके नया प्रस्ताव तैयार किया जाएगा जो कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर होगा, जो कि 15 जुलाई के बाद में नई परीक्षा की तारीखों को लेकर प्रस्ताव भेजे जाने की उम्मीदें ज़्यादा हैं, उससे पहले परीक्षा करवाने की संभावना काफ़ी कम है, ऐसा पीएनपी सचिव के माध्यम से भी जानकारी दी गई है। जल्दी जो इसका प्रस्ताव है वो शासन को भेजा जाएगा, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा शासन के ऊपर, क्योंकि जब तक वहाँ से अनुमति नहीं मिल जाती तब तक एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो आयोजन है वो नहीं किया जाएगा, क्योंकि सरकार के माध्यम से अभी कई परीक्षाओं को लेकर प्रस्ताव तो भेजे गए हैं लेकिन अनुमति ना मिलने की वजह से मामले लटके हैं। जैसे कि यूपी टीईटी की मैंने आप सभी को बताया, सेम एडेड जूनियर के अंदर है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि सभी जिलों के अंदर कोरोना संक्रमण को लेकर थोड़ी गिरावट देखने के लिए मिली है, ऐसे में जल्दी पीएनपी के माध्यम से जो प्रस्ताव है भेजा जाएगा, इसी हफ्ते उम्मीदें ज़्यादा है कि प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। जैसी कोई जानकारी पीएनपी से मिलेगी सबसे पहले आप सभी को बता दी जाएगी। अगर बात की जाए एक्सपेक्टेड तारीख को लेकर तो 15 जुलाई के आसपास आप सभी को देखने के लिए मिल सकती है, इससे पहले परीक्षा होने की संभावना थोड़ी सी कम है। बाकी सरकार की अगर कोई नई गाइडलाइन जारी हो जाती है तो उससे पहले जो परीक्षा है वो करवाई जा सकती है। तो ऐसे में एडेड जूनियर को लेकर जो जानकारी मिली है उनका कहना है कि जल्दी इसको लेकर बैठक देखने के लिए मिलेगी और बैठक के अंदर नई परीक्षा की तारीखों को लेकर जो फैसला है वो लिया जाएगा पीएनपी पर, जो कि इसी सप्ताह आपको देखने के लिए मिल सकती है। बाकी इंतजार करें, जैसे कोई अपडेट मिलेगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, ऐसे में चर्चाएं तेज़ हो चुकी है कि 69,000 की थर्ड काउंसलिंग जल्द आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। जब से कल मंत्री जी के माध्यम से एक आदेश दिया गया न्यूज़ के अंदर, तो दूसरी तरफ अधिकारियों के माध्यम से भी आश्वासन मिला है, तो यहां से कहीं ना कहीं जल्द आप सभी को आगे की जो प्रक्रिया है वो देखने के लिए मिल रही है। लेकिन सवालों के घेरे यहां पे भी आ जाते हैं कि अभी तक सीटों की संख्या घोषित क्यों नहीं की गई है, आखिर कितना लंबा प्रोसेस है जिसको लेकर यहां पे अधिकारी कार्य कर रहे हैं, और सीटों को ना बताना उसके पीछे क्या राज है, ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है। अभी तक सीटों की संख्या नहीं बताई गई है, अंदाजे अनुमान 6-6.5 के आसपास हैं, लेकिन ज्यादा भी हो सकते हैं जब तक सीटों की ऑफिशियल संख्या नहीं आ जाती। लेकिन ऐसे में अधिकारियों के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि जल्दी थर्ड चयन सूची आप सभी के सामने देखने के लिए मिलने वाली है। इसी सप्ताह कभी भी आप सभी के सामने थर्ड चयन सूची साथ में जो काउंसलिंग का कार्यक्रम है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसे में जानकारी तो ये भी देखने के लिए मिल रही है कि 15 जून के बाद में आप सभी के जो काउंसलिंग है वो देखने के लिए मिल सकती है। बाकी जो अंतिम मोहर लगेगी वो एनआईसी के बाद जो जारी किया जाएगा नया कार्यक्रम उसी के अनुसार आपको देखने के लिए मिलेगी। हालांकि ये भी जानकारी अधिकारियों के माध्यम से दी गई है, क्योंकि इनके माध्यम से पिछले 3 महीने से कहा गया था कि जल्द आपकी चयन सूची जारी होगी, जल्दी आपकी काउंसलिंग करवाई जाएगी। ऐसा करते करते 3 महीने से ज़्यादा का जो समय है वो निकल चुका है, उम्मीद है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। तो थर्ड चयन सूची को लेकर जो जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि इसी सप्ताह आप सभी के सामने जारी होने की प्रबल संभावना है। बाकी जैसी जारी होती है आप सभी को जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से मिल ही जाएगी। सीटों की संख्या को लेकर जो जानकारी मिलेगी वो शासन के माध्यम से जब एनआईसी से सारा का सारा कार्यक्रम तैयार होगा उसी के अंदर आने की संभावना है। बहुत सारे छात्रों के माध्यम से पूछा जा रहा था कि शासन आदेश कब तक जारी होगा। वैसे शासन आदेश 17 तारीख को जारी कर दिया गया
गया था अगर आपको याद होगा मई के अंदर, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आधा अधूरा शासन आदेश देखने के लिए मिला था, तो नया शासन आदेश फिलहाल जारी नहीं किया जाएगा, ऐसी भी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। अब NIC के माध्यम से एक सर्कुलर जारी किया जाएगा जिसके अंदर सारा का सारा कार्यक्रम होगा, सीटों की संख्या होगी, दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे और आगे की जो प्रक्रिया जैसे भी करवानी है उसको लेकर जानकारी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो ऐसे में जानकारी ये है कि जल्द थर्ड काउंसलिंग वाले छात्रों का जो इंतजार है वो समाप्त होने वाला है। उम्मीद है कि इस बार ऐसा ना हो छात्रों के साथ में, क्योंकि इससे पहले भी कई बार दावे और वादे किए गए थे लेकिन छात्र बार बार परेशान हुए हैं। तो ऐसे में अधिकारियों के माध्यम से जानकारी मिल रही है। इसी सप्ताह आप सभी के सामने थर्ड चयन सूची को लेकर साथ में काउंसलिंग के कार्यक्रम का जो इंतजार है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। बाकी जो भी अपडेट होगी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो वीडियो को लाइक करते हैं, साथ में शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।